वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबा केसरी। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में है, ऐसे में सभी दलों की निगाहें 1 जून की वोटिंग पर है और इस आखिरी चरण को जीत का जरिया बनाने में सभी दल जुटे हुए हैं। प्रचार और जनसभाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम सपा नेता अखिलेश यादव बलिया में जनसभा करने पहुंचे थे। यहां सपा मुखिया की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने सुरक्षा घेरा तोड़कर अखिलेश यादव के सामने मंच पर चढ़ने की कोशिश की, हालांकि इससे पहले ही सुरक्षाकर्मी ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। जानकारी के मुताबिक यूपी के बलिया में सपा चीफ अखिलेश यादव की जनसभा में एक सुरक्षा घेरा तोड़कर एक युवक अखिलेश यादव से मिलने के लिए मंच पर चढ़ने वाला था। इस वाक्य का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक दौड़ कर आता है और छलांग लगाकर मंच पर चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन इसी बीच एनएसजी कमांडो उसे बहुत फुर्ती के साथ दबोच लेते हैं। कमांडो ने युवक को दबोच कर यूपी पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद युवक को फिर से भीड़ के अंदर भेज दिया गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव हनुमानगंज ब्लॉक के फेफना थाना क्षेत्र के ग्राम कटरिया में सपा के प्रत्याशी सनातन पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वो मंच पर बैठे थे, इसी दौरान ये घटना देखने को मिली है। सपा चीफ अखिलेश यादव मंच पर बैठे थे, तभी एक उनका समर्थक सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच पर चढ़ने का प्रयास करने लगा, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। वो मंच पर चढ़ता इससे पहले ही एनएसजी कमांडो ने युवक को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश की बलिया सीट पर 7वें चरण में वोटिंग होनी है। 1 जून को वोटिंग होगी, जिसको लेकर अखिलेश यादव जनसंपर्क करने यहाँ पहुंचे थे। टीवी 9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबा केसरी।